दोस्तों कहते हैं किसी भी ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत और पागलपन होता है उस सपने को पूरा करने के लिए। और टीनेंसी कुछ ऐसा ही पागलपन था राजनीति को लेकर इस किसान के बेटे में, और इसी पागलपन ने इस बंदे को किसान नेता बना दिया जो आज हर किसान मजदूर के दिल की धड़कन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस किसान नेता विधायक बलवान पूनिया की, जिसे आप सब जानते हैं। ये बंदा अरबों के बंगले में तो नहीं रहता, करोड़ों की गाड़ियों में तो नहीं घूमता, पर इस कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल और बने रहने के पीछे जो मेहनत है उसे बहुत कम लोग जानते हैं। और आज इस बंदे के किस्से सुनने के बाद आप भी बोलोगे कामयाबी ऐसे बंदे से दूर रह ही नहीं सकती। नेता बलवान के बारे में अक्सर रात को घरवाले सोचते थे बेटा पढ़ाई कर रहा है, पर लगातार नजर रखने के बाद घरवालों को पता चला ये तो राजनीति के गुणा भाग करता रहता है ताकि अपनी स्किल को और इम्प्रूव कर सके। और जब घरवाले सो जाते थे तब ये बंदा अकेले में राजनीतिक प्रैक्टिस किया करता था। दोस्तों जहां शाम 6 बजे ऑफिस छूटना होता है वह लोग 5 बजे तैयार होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है, हम तो बस किए जा रहे हैं और भीड़ के साथ चल रहे हैं। मगर अकॉर्डिंग टू रिसर्च 96% लोग अपने इंटरेस्ट को फॉलो ही नहीं करते, और ये 96% लोग उन 4% लोगों के लिए काम करते हैं जो 100 बार हारने के बाद भी अपने आप को गिव अप नहीं करते। यूजर हमेशा बहाने बनाते हैं, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, पैसा नहीं है, स्किल नहीं है, वगैरह वगैरह, मगर विनर ऐसे हालात में भी अपने रास्ते खोज ही लेते हैं। आज के नेता उस दिन के बलवान की लाइफ में भी कई मुश्किलें आई, पर वो मुश्किलें इस बंदे का बाल भी बांका नहीं कर सकी। स्कूलिंग के बाद की उम्र में इस बंदे को राजनीति व कॉलेज के लिए अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा। कॉलेज के दौरान घर के हालात ने बलवान को राजनीति में कदम रखने के लिए मना कर दिया, पर तब तक तो राजनीति इस बंदे की जान बन चुकी थी। अब इनके पास दो ही रास्ते थे, एक तो कॉलेज से ही राजनीति छोड़ दे या फिर रिस्क लेकर कुछ बड़ा करे। बलवान ने पहला नहीं बल्कि दूसरा रास्ता चुना, मगर लगातार विधानसभा चुनाव हार के बावजूद अपने इंटरेस्ट के चलते इस बंदे ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। ये होता है पागलपन, अपने इंटरेस्ट के चलते अपने सपने के लिए। और ऐसे ही पागल लोग आगे चलकर दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। बलवान के तमाम साथी बताते हैं चुनाव कैंपेनिंग के बाद जब तमाम साथी घर लौट आते थे तब वह अपनी रणनीतियां बनाने में व्यस्त हो जाता था। ये बंदा आज राजस्थान प्रदेश का दबंग विधायक बनने के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा ही कुछ होता है विनर्स का एटीट्यूड, जो दूसरों से नहीं बल्कि खुद को अपने आप से कम्पीट करते हैं और बेहतर बनाने के लिए। दोस्तों ऐसा नहीं है बलवान पूनिया से ज्यादा टैलेंटेड विधायक नहीं है, पर इस बंदे के जितना हार्डवर्क कोई कर नहीं पाता, और इसी हार्डवर्क की बदौलत कामयाबी इनके कदम चूमती है। दोस्तों नंबर वन बनना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है नंबर वन बने रहना। और बलवान पूनिया हर रोज वो सब कुछ करता है जो उन्हें नंबर वन बनाए रखे। बलवान के दोस्त उनके बारे में बताते हैं चुनाव के दौरान बलवान सबसे पहले काम पर आते थे और दिन भर की कैंपेनिंग के बाद सबसे बाद में घर जाते थे। ऐसा ही एक किस्सा उनके दोस्त बताते हैं, दिन भर की कैंपेनिंग के बाद कुछ दोस्त गाँव में बलवान के घर चले गए। उनके साथ डिनर करने के बाद उन्हें लगा बलवान अब रेस्ट करेगा, पर चुनाव को लेकर ये बंदा वापिस कैंपेनिंग करने चला गया। बलवान की वाइफ सुनीता जी से पूछने के बाद उन्होंने बताया ही नेवर गेट सेटिस्फाइड विद हिज कैंपेनिंग, वो हमेशा कुछ ज्यादा करना चाहते हैं और करते भी हैं। क्या तुम दे सकते हो ऐसा डेडिकेशन तुम्हारे सपनों के लिए? जरूर दे सकते हो, बस प्यार से रोक लो उन सपनों को और तब तक ना रुको जब तक कि वो सपना हकीकत में ना बदल जाए, फिर उसके लिए साली दुनिया इधर से उधर क्यों ना करनी पड़े। दोस्तों अगर आप किसान नेता बलवान पूनिया के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक, और साथ ही साथ कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर। मैं जयसिंह पूनिया किसी दिन किसी और विषय पर बात करूंगा, तब तक जय हिंद जय भारत किसान बलवान।